एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको पालक पनीर बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो फ्रेश पालक लिया है, इसको अच्छे से धुल लिया है, और 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है, और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है पेस्ट बनाने के लिए। और पेस्ट में हम डालेंगे जीरा, काजू, इन सबको अलग हम भून के पेस्ट बनाएंगे। और सूखे मसाले में हमें चाहिए हल्दी, नमक, फ्रेश क्रीम लिया है मैंने यहाँ पे, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, हींग, और दो सूखी लाल मिर्च, और सरसों तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई में पानी डाल लेते हैं। कढ़ाई को ढक देते हैं ताकि पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें पालक डाल देते हैं। और पालक को हमें 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर डार्क कलर का हो जाता है और जो पालक पनीर की ग्रेवी है वो अच्छी नहीं लगती है। 2 मिनट हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। और इस पे हम तुरंत ठंडा पानी डाल देंगे ताकि पालक का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। कढ़ाई को गर्म कर लिया, अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाला है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा भून गया है, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, इनको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे प्याज, देखिए प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसमें काजू डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। काजू थोड़ा सा भून गया है, अब हम टमाटर डाल देंगे इसमें। और इसको भी हम तो टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं ताकि हम इसको पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए पालक भी ठंडा हो गया है और जो मसाले हम फ्राई किए थे वो भी ठंडा हो गया है। तो हम इन सबको मिक्सी में डाल देते हैं। पहले पालक डाल देंगे और सारे मसाले डाल देते हैं।
मसाला ठंडा होने के बाद ही पीसना है, पालक या फिर मसाला कोई भी चीज़ ठंडा होने के बाद ही पीसते हैं। तो अब हम इसको पीस लेते हैं और इसमें हम ज़रा सा भी पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए ऐसा पेस्ट बना है। तो एक बार हम फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें ऐसा पेस्ट बनाना है। तो चलिए हम गैस ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, साउंड में आप लोग को बारिश की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालते हैं। मैंने एक चम्मच तेल डाला है इसमें, सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है और गैस को हम लो पे ही अभी रखेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं सूखी मिर्च, हींग डाल देते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो हींग ना डालें इसमें। हल्दी डाल देते हैं, एक चम्मच हल्दी डाला है मैंने, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने मसाले पहले डाले थे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि जो हमने प्याज लहसुन अदरक को पहले फ्राई किया था, तो इसमें अच्छे से वो मिक्स हो जाए। अब हम इसमें जो पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस को मीडियम पे कर देते हैं। गैस लो करने पे मसाले जलते नहीं हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने एक चम्मच नमक डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ हम एक मिनट के लिए इसको ढक के पका लेते हैं। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें क्रीम डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप क्रीम की जगह फ्रेश दूध की मलाई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। एक चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और करीबन हम एक मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देते हैं। मैंने इतने बड़े टुकड़े लिया, चाहे तो बड़ा या छोटा टुकड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और करीबन हम दो मिनट के लिए इसको हम ढक के पका लेंगे। पनीर तैयार हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए तो अब हम पनीर को क्रश कर लिया है मैंने और धनिया को ऊपर से गार्निश कर देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
पालक पनीर की सब्जी। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। चलिए हम फ्रेश क्रीम डाल देते हैं इसपे। और पनीर का मैंने वो बनाया था फ्रेश करके वो डाल देते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको खाऊंगी जीरा राइस के साथ। और अगर आपको ज़ीरा राइस की रेसिपी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।